रैगिंग का केस है जी, इनका कहना है कि रैगिंग के कारण इनके साथ ऐसा हुआ है। क्या हुआ सर? फैक्ट्स अगर आप देखेंगे तो ऐसा है नहीं। क्या हाथ कट गया है? नहीं, इनका रेलवे एक्सीडेंट से हुआ है। रेलवे एक्सीडेंट से नहीं हुआ सर, रेलवे अपनी जान के हॉस्टल से हम अपनी जान बचा करके वापस आ रहे थे। हम पहुंचे स्टेशन पे, ये लोग हमारे जो सीनियर सीनियर जो थे हमारा पीछा करते हुए स्टेशन पे आ गए। वहां से हम अपनी जान बचाने के लिए हम प्लेटफॉर्म क्रॉस किए, तब एक मालगाड़ी आ रही थी, उससे हमारे दोनों हाथ और एक पैर। यस, जांच इसमें इंक्वायरी जी। जस्ट मिनट उपाध्याय जी, अगर रेलवे से होता एक्सीडेंट होता तो वो आप लोगों के ऊपर झूठा आरोप क्यों लगाते हैं सर? इसमें पर अभी रिपोर्ट देखते हैं अपन। इंक्वायरी रिपोर्ट है सर इसमें। कौन सी? अरे 2006। देखिए, रैगिंग को हम इतनी आसानी से तो इग्नोर नहीं कर पाएंगे। उन्होंने सर एडमिट किया इस चीज को, मेरे भाई रेस्टिगेट भी किया था उपाध्याय छात्रों को। रहा करो यार, अब जिसने रैगिंग की उसको पार्टी नहीं बनाया है, और अगर हमने ये कहा कि ये रैगिंग का केस है और इनके खिलाफ ये एक्शन लिया जाए, इनके खिलाफ का तो है वो तो ठीक है, बच्चों के खिलाफ एक्शन लिया जाए तो क्या उनको सुनना जरूरी है कि नहीं? बस इतना सा प्रश्न पूछ। मेन कल्प्रिट कौन है आपके हिसाब से? अगर ये रिपोर्ट सही है तो मेन कल्प्रिट कौन? सर, जो घटना होना थी वो तो मेरे भाई ठीक है, जो स्टेट ने कहा होना थी हो गई, ठीक है। एक बच्चा दोनों हाथ एक पैर से चला गया, ठीक है, ये मैं नहीं बोल पाऊंगा सर। वो सफर कर रहा है, ठीक नहीं है सर, अभी तक सफर कर रहा है भाई साहब। इसी बात बता दीजिए, मुझे भी समझ में आता है, आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं है। अगर रैगिंग करने के लिए कोई जिम्मेदार है उसको क्या छोड़ दिया जाए? सीधी सी बात बताइए, क्या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? बताइए ना, या तो आप कहिए कि साहब हमें उन बच्चों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी है, बोल दीजिए। अगर आप ऐसा बोल देंगे तो इनके इंस्टीट्यूशन के खिलाफ क्या हो पाएगा? फिर आप जानो, आपका काम जाने। और अगर बच्चों के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो आपने उसको पार्टी नहीं बनाया है, और आप कहते हैं कि वो बच्चा सफर कर रहा है। 2006 की पिटीशन आपकी है, मेरी नहीं है। 18 साल से पिटीशन में आपने आधे अधूरी पार्टियां बनाई हुई हैं, किसके कहने के ऊपर सफर कर रहा है सर? आज अगर हम पार्टी बनाने का ऑर्डर करते हैं, फर्दर डिले होता है तो भाषण दे रहे हो कि सब इतने साल से सफर कर रहा है, यहाँ तो आज मुकदमा बढ़वा रहे थे। जिस बच्चे ने इसकी रैगिंग की है, जिस बच्चे के डर के मारे से वो ट्रेन के सामने बेचारा दुर्घटना मचा गया, जिस बच्चे के करके उसके दो हाथ और एक पैर कट गए, जिस बच्चे के करके कि वो आज सफर कर रहा है, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि नहीं? इतने में बात बताइए आप। लेना चाहिए, लेना चाहिए तो उसको पार्टी बनाइए फिर। सही, 18 साल से आधी अधूरी पिटीशन फाइल करके आप मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो? सर चिल्ला नहीं रहा, क्या बात कर रहे हो यार, प्यार से पूछ रहा हूं। इसमें सर लास्ट टाइम ही लगा था, तो लास्ट टाइम लगा था, आज तो आप बढ़वा रहे थे। आपके इधर नहीं सर, आज तो आप बढ़वा रहे थे। प्रॉब्लम ये है कि मेरे यहाँ लगा था तो आप बढ़वा रहे थे, उसका तो कोई एक्सप्लेनेशन देंगे नहीं आप। जो हमारी प्रेयर आज आपका बढ़ाने के लिए मना कर दिया, तो आवाज अपने पिटीशन में जो अपनी आवाज ऊंची करके चले आए सर। ऊंची आवाज नहीं, पार्टी बनाना चाहते हैं कि नहीं, इतना बताइए सर। नहीं बनाना चाहते हैं, कोई कोई आपको बाध्य नहीं कर रहा हूँ, बस इतना बोल दीजिए कि मुझे उससे कोई मुझे मैंने माफ कर दिया चाहिए। सीईओ और डीओ को पार्टी बनाने का ऑर्डर हुआ था, उनको हमने पार्टी भी बनाया उनका। आपको पिटीशन फाइल करनी है और आपको पता होना चाहिए क्या होना चाहिए। अगर हम आप लोगों को पिटीशन बचाने के लिए, चूंकि कॉज एक जेन्युइन है, मौका देते हैं तो उसका ठीकरा हमारे सर मत फोड़िए, एहसान मानिए हमारा। दो मिनट में मैं पिटीशन खारिज कर दूंगा, फिर क्या होगा? आपने कहा था ऐसा और आपने कहा था वैसा। आप मुझे ये बता दीजिए कि जिन बच्चों के कारण वो भयवश वो चलती ट्रेन के सामने आ गया, उन बच्चों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि नहीं है? पार्टी बनाते हैं। क्यों नहीं आपको 2006 में समझ में आया था ये? आप हमें बता रहे हैं साहब इतने साल से वो सफर कर रहा है, आज मुकदमा बढ़वा रहे, तब नहीं सफर कर रहा था। 6482/2006 श्री एस के मिश्रा, एस के मिश्रा, श्री एच के उपाध्याय, फॉर रिस्पॉन्डेंट नंबर 567 एंड 9 567 एंड 9
इट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट केस वेयर अ बॉय हैज लॉस्ट हिज मल्टीपल लिम्स एज ही केम इन कॉन्टैक्ट विद रनिंग गुड्स ट्रेन. द एलिगेशंस आर दैट बिकॉज ऑफ रैगिंग बाय द सीनियर स्टूडेंट्स he was running to save his life and accidentally came in front of a running train resulted in amputation of his both of his hands and leg and one leg. Melo, whatever it is sir, main abhi kisi cheez ko decide nahi kar raha hu. Nahi nahi, main aapko ek point karna cha raha hu ki un sare bachchon ke khilaf FIR hui thi. Ha, usme inhone inki gawahi karan wo sare ke sare chhoot chuke hain. Inki gawahi hai aur humne apne reply mein kaha hai, so I had to point out that before my lord passes any order. एक्विटल हो चुका है क्रिमिनल केस में. यस हाँ, वो क्लीन एक्विटल हुआ क्योंकि इन्होंने बोला कि हमें नहीं पता. दे हॉस्टाइल हो गए थे. हाँ, क्या बात है मिश्रा जी, हमें बता रहे थे सफर कर रहा है. नहीं सर, सफर क्या बात है, क्या बात है सर. और जब गवाही देने का मौका है तो हॉस्टाइल हो गए. ऐसा मिश्रा प्लीज, जब गवाही देने का मौका आया तो आप हॉस्टाइल हो गए. ये पैरा 4 देख लें इसका. विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या आरोपी गण से ने विधि विरुद्ध दबाव जमाव के सदस्य रहकर उन्होंने सामान्य उद्देश्य से चंद्रबान की रैगिंग करने के लिए उसकी गुप्त रूप से सदस्य रूप से परिवर्तित करने का अपहरण किया. इस संदर्भ में फरियादी चंद्रभूषण ने अपने कथन में कोई उल्लेख नहीं किया और पूछे जाने पर इस तथ्य से इंकार किया कि आरोपी गण द्वारा अपहरण का कर ले जाया गया था या बंद किया था. अन्य सभी साथी विमलेश पवन ने नहीं बचा इस पिटीशन में सर, कुछ नहीं बचा इस पे. लगा है सर गुड गेस्चर माय लॉर्ड, ट्राई कोर्ट ऑर्डर भी लगा हुआ है बट दैट वी विल गिव हिम द आर्टिफिशियल लिम्स बट इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ गिल्ट ऑन आवर पार्ट माय लॉर्ड. दैट इज माय सोल कंटेंशन एंड स्टेट हैज आल्सो गिवन प्रॉमिस टू गिव हिम कंपैशनेट अपॉइंटमेंट. नाउ द लेस इज ओनली टू दैट एक्सटेंट नाउ, सो वी हैव फुल सिंपैथी विद अनफॉर्चूनेट इंसिडेंट. हमारी तो कोई सिंपैथी नहीं है. जब हॉस्टाइल क्यों हुए आप? जी जी, आपके हाथ पैर कट गए थे और आप हॉस्टाइल हो गए सर, फिर किस बात की सिंपैथी आपके साथ सर, जो आप बड़ा कह रहे थे कि बड़ा सफर कर रहा है ये आदमी. अब क्या हुआ मिश्रा जी, अब क्या आवाज नीची हो गई सर? आवाज ऊंची है सर, नीची नहीं है सर. अभी तो आप बड़ा कह रहे थे कि सर देखो इतना सफर कर रहा है, अब क्या हुआ आपको? 6482/2006 लगा के मोहन ससरकर जी का लगा दीजिएगा फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 1, 2, 3 नहीं नहीं 4 नहीं है, हाँ 4. और उपाध्याय जी का लगा दीजिएगा 5 से लेके 5, 6, 7 and 9. This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief. It is submitted by a concept of petitioner that on account of his ragging, he was running to save his life and unfortunately came in front of a running goods train, resulting in amputation of his both hands and one leg. इसमें स्टोरी थोड़ी सी अलग है. इनका कहना था कि ये छुप गए थे मालगाड़ी के नीचे और मालगाड़ी एकदम से चली तो उस कारण से इनके हाथ पांव कट गए. He has not come against the it is the case of the petitioner that in order to save his life he took a shelter under a goods parked goods train standing goods train and on account of as the goods train started he lost his two hands and one leg. So let's start. Thus, and accordingly, this petition has been filed seeking the following relief. And therefore, by this petition, the petitioner has sought the following relief. It is submitted by counsel for. Now, during the course of arguments, this court was of the view that since the petitioner has not implicated the boys against whom he had alleged ragging, therefore they are the necessary party. And it was also not pointed out by the counsel for the petitioner that an FIR was already lodged against those boys.
While this court was in the process of directing the petitioner to implead the boys who were allegedly responsible for ragging, it was pointed out by Shri Achyut Upadhyay that those boys, that FIR was lodged against 17 boys and they were tried for offense under section 294, 323, 506, 147, 365, 342 of IPC. The petitioner himself entered into a compromise with the accused persons, and accordingly an application under section 320 of CRPC was allowed and the accused persons were acquitted for offense under section 294, 323, 506, 342 of IPC. The petitioner also turned hostile and expressed no information about the incident, and accordingly the accused persons were also acquitted for offense under section 147, 365 of IPC. The counsel for the respondents of Shri Upadhyay has also provided a copy of the judgment dated 4-9-2004, passed by Additional Chief Judicial Magistrate Bhopal in RT number 2826/2003. अब आपकी petition में ये कहीं कुछ लिखा है क्या about the acquittal? This petition was filed on 10-5-2006. Whereas the petitioner had already turned hostile and the accused persons were already acquitted by the trial court by judgment dated 4-9-2004. Therefore, the petitioner was well aware of the fact that he has already narrated before the trial court that he does not know anything about the incident. The petition is completely silent with regard to the judgment dated 4-9-2004 passed by Additional Chief Judicial Magistrate Bhopal in RT number 2826/2003. Thus, it is clear that the allegation made by the petitioner in this petition that he was subjected to ragging, as a result he lost his two hands and one leg, is a false statement before this court, because he had expressed before the trial court that he does not know anything about the incident. The petitioner had come in contact with a goods train in which he lost his two hands and one leg. If it was a case of accident, then nobody can be held liable. And if it was a case of ragging, then the petitioner should have deposed before the trial court, but he did not do so. Had it been a case of filing an application under section 320 CRPC alone, then this court could have understood that the meaning of compounding is that although the offense might have been committed, but the complainant does not wish to prosecute the accused any further. But it is clear from the judgment that the petitioner had turned hostile and expressed his ignorance about the incident. Once the petitioner had specifically given an evidence before the trial court, then it cannot be held that the petitioner has suffered the amputation of his both hands and one leg on account of ragging by the students of the respondent number 5, 6, 7 and 9. Under these circumstances, no case is made out warranting interference. Since the petitioner has suppressed the material fact, therefore the court was inclined to impose a heavy cost. But as he has already lost his two hands and one leg, therefore by adopting a sympathetic view, cost is not being imposed, but a warning is being issued to the petitioner that he should be honest and should disclose each and every fact and should not try to mislead the court. The petition fails and is hereby dismissed. Nothing, कुछ नहीं. आपकी जो मर्जी है आप करिए, नहीं करना. आप देखिए, आपका एक स्टूडेंट था, उसका एक ट्रेन एक्सीडेंट में भी हो गया सब. Therefore also, it is submitted at this stage. It is submitted by Shri H.K. Upadhyay that although the petitioner must have lost his two hands and one leg in a train accident, but being a
responsible citizen of the country and since the petitioner was this student of their institution, आपने भी दे दिया है कि नहीं दिया? नहीं, वो क्योंकि ये जब ये आएंगे उसके बाद ही इनका प्रोसेस करना पड़ेगा. It is submitted that in case if the petitioner approaches the respondent number 5, 6, 7, and 9 for supply of artificial limb, we will then as a gesture of help by way of then in order to help out their ex student, they would make every medical facility available to the petitioner including the supply of artificial limb, but it is submitted that this gesture is not under any legal or factual compulsion, but it is merely a gesture of goodness towards their ex student. The gesture expressed by the counsel for the respondents number 5, 6, 7 and 9 is appreciated, and it is held that this gesture shall not be treated as a binding undertaking which may make them liable for contempt of court, and in case if the petitioner approaches the respondents number 5, 6, 7 and 9, then it is expected that they will maintain their good gesture and would provide the artificial limb as would be suggested by the doctors. With the foresaid observation, the petition is dismissed. Ragging का केस है? जी, इनका कहना है कि रैगिंग के कारण इनके साथ ऐसा हुआ है. क्या हुआ सर? फैक्ट्स अगर आप देखेंगे तो ऐसा है नहीं. क्या हाथ कट गया है? नहीं, इनका रेलवे एक्सीडेंट से हुआ है. रेलवे एक्सीडेंट से नहीं हुआ सर. रेलवे माल